tuh. चाहे जो हो जाए हम अपनी बहन का इलाज करा करेंगे, चाहे हमारी हड्डी पसली एक हो जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम उसको इस हाल में नहीं देख सकते। रामा, तुम जानते हो कि जो अपनों का प्यार होता है ना, हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत सबल बनाने की और बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदलने की शक्ति देता है। प्यार ऐसा ही होता है रामा। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो पाना चाहते हो ना अपनी बहन के लिए, वो जरूर पा के रहोगे। अब आगे जा रहे हैं। रुको, मैं भी जानूंगी तुम। ठीक है, अब हम ये ऑपरेशन करवाएंगे जितनी जल्दी हो सके। तो आप पैसे जमा करा दीजिए, ऑपरेशन तभी होगा। जी, हम पैसों का इंतजाम करते हैं, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। ठीक, निकले। कुछ ना कुछ करके हम इंतजाम तो कर लेंगे। राम, उसको क्यों दोगे? इनके बारे में बात करेंगे, काफी तेज मैच चल रहा है। आपकी बहन को हाँ, उसका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जिसके पीछे रीज़न अमाया अपने आप को खुद ब्लेम करती है। तो उसमें क्या होता है, उसको एक लेफ्ट हैंड पे थोड़ा माइनर इंजरी होती है और राइट हैंड पे काफ़ी मेजर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से एक अर्जेंट इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो डॉक्टर मुझसे बोलता है कि अगर हमने पैसे जल्दी इकट्ठा करके उनको नहीं पहुँचाए तो ऑपरेशन होने में लेट हो सकता है और उसका जो हाथ का फंक्शन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो बस उसी कश्मकश में, उसी परेशानी में हूँ मैं कि पैसे इतने हैं नहीं, उसके पैसे हैं नहीं इतने अभी मेरे पास, तो ये सारे पैसे कहाँ से अरेंज होंगे और क्या होगा। तो अभी वही सारा टेंशन चल रहा है और फिर अपनी बहन का इलाज करवाना है और उसको अपाहिज बनाने से बचाना है, तो उसी की वजह से एक जद्दोजहद चल रही है और दूसरी चीज़ें हैं टेंशन में, बस उसी में इन्वॉल्व हूँ मैं अभी। सर, जैसे कि देख रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप आगे क्या कंटेंट बनाने वाले हैं व्यूअर्स को? ये जो पैसे कलेक्ट करने का है, इसके पीछे बहुत बड़ा ट्विस्ट है और जो ट्विस्ट है मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वो हिंट भी नहीं दे सकता हूँ वरना वो चीज़ ऑडियंस पकड़ लेगी। इससे एक काफ़ी बड़ी चीज़ ओपन होने वाली है जो कि ट्विस्ट है, और रामा कुछ ऐसा करने वाला है जो उसने लाइफ में कभी नहीं किया है, और आप समझ लीजिए वो अपने हाथ पैर चलाने वाला है और कुछ ना कुछ करके वो पैसे का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेगा और यहीं से एक कहानी में एक नया मोड़ आएगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो फिर रामा, एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप सबने अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, मेरे फर्स्ट शो में भी और सेकंड शो में भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है और काफ़ी बुराइयाँ भी हो रही हैं जो कि जायज़ है दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हम सब एक यूनिट की तरह काम करते हैं, मेरा फीलिंग्स या मेरे हेट्रेड किसी के प्रति नहीं है, मैं सबको इक्वली प्यार करता हूँ। बिकॉज कहते ना कि आपको जितना आपको लवर्स आपको लाइफ में चाहिए, उतना ही हेटर्स चाहिए जस्ट टू मोटिवेट यू। सो आई वॉन्ट टू कन्वे, आई ऑलवेज कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई लवर्स और माई फैंस, दिस इज आई वॉन्ट कन्वे टू माई हेटर्स दैट कीप ऑन हेटिंग मी एंड जस्ट मोटिवेटिंग मी टू डू इवन मच मोर बेटर वर्क इन माई करियर, सो दैट आई कैन मेक यू, आई कैन टर्न यू फ्रॉम हेटर्स टू लवर्स। सो लेट्स सी, आई विल गिव माई बेस्ट। थैंक यू।